हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा। तो गाइज़ आज मैं बनाने वाली हूं कद्दू की सब्ज़ी, और बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है मैंने। ये सब्ज़ी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहें तो जो तेल आप खाते हैं उसमें बना सकते हैं। तो तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। तो ये आधी छोटी चम्मच के करीब साबुत ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी दाना मैंने इसमें डाला है। कद्दू की सब्ज़ी मेथी दाना में बहुत अच्छी लगती है। और आधी छोटी चम्मच सरसों डाली है मैंने इसमें। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और कद्दू को मैंने कट करके अच्छे से वॉश करके और कट कर लिया है। तो ये आधा किलो के करीब कद्दू मैंने लिया है, तो वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। एक बार मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और ये सब्जी बनके भी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। एक्चुअली मैं तड़के में डालना भूल गई थी, तो इस वक्त मैंने इसमें एक सूखी लाल मिर्च डाल दी है। तो ये अभी भी उतना ही फ्लेवर देगी जितनी तड़के में देती है। और साथ में इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता और एक हरी मिर्ची को मैंने लंबा काट के इसमें डाल दिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो एक बार अच्छे से इसको चला देंगे, और 2-3 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से खुला पकना दूंगी। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसमें सूखे मसाले डालना शुरू करती हूँ। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको ढककर और 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर पका लूँगी। मैं इसमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कद्दू में अपने आप में पानी होता है, तो पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। और बीच बीच में इसे चलाते रहिए ताकि सब्ज़ी जो है वो तले में ना लग जाए। तो 3-4 मिनट के बाद मैंने इस तरह से ढक्कन हटा के देख लिया है, और 2-3 मिनट के लिए मैं फिर से इसे ढक के पकने रख दूंगी। और 2-3 मिनट के बाद कद्दू जो है वो अच्छे तरीके से गल गया है, ये देखिए। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि पूड़ी के साथ और पराठे रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी आधा कटा हुआ नींबू। तो नींबू के रस से सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। नींबू की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, और अगर अमचूर पाउडर भी नहीं है तो इमली का रस इसमें 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। उससे भी ये सब्ज़ी का स्वाद जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। तो गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए रोटी या पराठे के साथ, बहुत अच्छी लगती है खाने में। ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।